श्री राम मंदिर के लिए फेमस है ये जी। आप भी जाइए, यहाँ स्टे करिए, घूमिए और अच्छा लगेगा जी। थैंक यू सर, आपसे मिलके हमें काफी अच्छा लगा। सो गए, साइकिल चला रहे फिलहाल। श्री राम जानकी। बस आप एक बहुत अच्छा मोटिव लेके चल रहे हैं, इसलिए मैंने आपका सपोर्ट किया और आपको अपने चैनल में जो वो आपकी न्यूज़ लगाई और लगाने की कोशिश करूँगा। अरे अरे कैमरा है भाई, कैमरा बचा के। प्रदीप तो एक ही बार में पूरा जोश में आ गया। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस अभी हम बस्ती में हैं और यहाँ से हम निकलेंगे अयोध्या के लिए। यहाँ से अयोध्या जो है 70 किलोमीटर के आसपास होगा। आज हम लोग का काफ़ी कम डिस्टेंस है, देन अयोध्या में आज हम लोग रुकेंगे। अयोध्या कब तक पहुँचेंगे? 11 बजे से, मतलब 12 बजे का पहले हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे। उससे पहले आप लोग को मैं मिलवाता हूँ, अपने कुछ भाई लोग आ चुके हैं यहाँ पर मिलने के लिए। क्या नाम है भाई आपका? राहुल। आपका भाई? ऋषभ। ओम भाई। ओम भाई। तो भाई ने मुझे मैसेज करा था कल रात को, देन बोले थे कि हम आएंगे मिलने, और हम कब का निकल चुके थे, लेकिन प्रदीप का थोड़ा सा वहाँ पेट दर्द करने लगा तो हमने बोला कि रुक जाओ भाई थोड़ा। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग आए मिलने के लिए, मोटिवेट किए हमें। ये बस्ती कौन सी गली है? ये पड़ेगा आपका मेन पक्की है, पक्के बाजार में। हम लोग अभी पक्के बाजार बस्ती में है। बस्ती तो हम लोग का जिला हो गया ना? हाँ, बस्ती जिला। जी जी, काफी बड़ा है मार्केट। मैंने यहाँ आपसे विक्रम ज्योत तक, शायद मेरे विक्रम ज्योत तक आगे भी। अच्छा, आगे भी है ना। आगे। तो गाइस अभी हम बस्ती से निकल के मोहम्मदपुर आ चुके हैं ढाबा में, और आज हम लोग का 15वां दिन है। आज हम लोग का घर से निकला हुआ 15 दिन हो चुका है। टाइम हो चुका है 7:30 और हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ये पालक और आलू का सब्जी है, देन आलू परोठा है, चटनी प्याज और ये अचार वगैरह है, देन चाय। तो आज का हमारा ब्रेकफास्ट यही रहेगा। तो गाइस जैसे ही हमने ब्रेकफास्ट करके उठा भाई, क्या गंदा वाला नींद आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि सो जाऊं वहीं पे। टोपी इसलिए हमने खोला है क्योंकि बहुत गंदा वाला नींद आ रहा था। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हवा आएगा तो नींद गायब हो जाएगा। नहीं यार, फिर भी नींद आ रहा है। तो प्रदीप भाई सेंचुरी पूरा कर दिया ना आज हैं? बंदा ने आज पूरा कंटिन्यू 3-4 घंटे तो सोया ही है, और हमको बोल रहा है भाई नींद पूरा हुआ। ओ भाई, एक सोया खुद और हमसे पूछ रहा है। बोलिए भैया, कहाँ से आप आ रहे हैं? हम लोग तिनसुकिया से आ रहे हैं, तिनसुकिया असम। इधर मतलब कहाँ से, कहीं वापस है या असम से ही आ रहे हैं? नहीं, असम से ही आ रहे हैं। अब कहाँ तक जाएंगे आप? आज अयोध्या रुकना है। अयोध्या मैं आपकी क्या सेवा करूँ, का व्यवस्था किया जाए? बस है, सो गए, साइकिल चला रहे फिलहाल। मेरे लायक जो सुविधा वो बताइए। सो गाइस तो यहाँ से लखनऊ जो है 143 किलोमीटर है, अयोध्या जो है 5 किलोमीटर है, और गोंडा 44 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर के बाद हम लोग अयोध्या पहुंच जाएंगे। तो गाइस अयोध्या पहुंचने से पहले हमें एक ब्रिज मिलता है। अब ये ब्रिज कौन सा ब्रिज है पता नहीं, और आप लोग इसका पानी देख सकते हो, इसका जो पानी है ना बिल्कुल नीला नीला है। और तो गाइस अभी अपन आ चुके हैं अयोध्या में, और यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर हम घूम सकते हैं। तो अभी हम लोग भी खाना वाना खाकर देन निकलेंगे घूमने के लिए, और जो भी कुछ दिखेगा वो सारा चीज़ आपको दिखाएंगे हम। बाकी राम मंदिर में भी जाएंगे अपन, लेकिन राम मंदिर में कंडीशन क्या है ना, उधर में मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर में, सिर्फ आप देख सकते हो, घूम सकते हो, उसके बाद आ सकते हो। तो उसके अंदर हम जाएंगे, कैसे क्या काम चल रहा है वो आपको बताएंगे हम। नमस्ते सर। सर हम लोग तिनसुकिया आसम से आ रहे हैं सर। यहाँ पर सर घूमने वाला कोई अच्छा जगह है जहाँ पे हम लोग घूम सकते हैं? वो चौराहे दिख रहा है। हाँ, वो चौराहे दिख रहा है, उससे अंदर चले जाना। अच्छा, वहाँ पर फिर क्या मिलेगा हमें? मंदिर है, स्थल है। अच्छा, राम मंदिर बन रहा है, वो किधर बन रहा है सर? उधर ही, वहीं सामने, उधर ही है ना। थैंक यू सर। तो अभी हम उधर जाएंगे, एंड उधर ही जो है राम मंदिर भी बन रहा है, तो वो भी अपन देखेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे हम घूम सकते हैं, मुझे भी पता नहीं क्योंकि मैं यहाँ का हूँ नहीं,
और मेरा तो मोबाइल ही पूरा गर्म हो गया, फोटो भी नहीं खींच सकता फिलहाल। क्या हो गया, बैटरी लो? बैटरी लो नहीं है, हैंग मार रहा है, पूरा गर्म हो गया मोबाइल। अच्छा अच्छा, गर्मी कम है क्या? जब वो गर्मी हमारा टेम्परेचर हाई कर दे रहा है तो मोबाइल क्या चीज है? वही वही बात है। ये है अयोध्या का तरबूज। तो गाइस मैं अभी अयोध्या में आ चुका था, देन अभी हम गुरुद्वारा के पास जा रहा था, तो जो पुलिस चौकी है वहाँ पर सर ने रुकाया हमें, देन हमें वहाँ पर पूछताछ करी कि आपके पास क्या अथॉरिटी है, किस वजह से जा रहे हो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है? तो हमने बोला सर हमने मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हमें सर ने पुलिस चौकी लेके आए, देन यहाँ पर पूछताछ किए। सही है, अगर आप बाहर से आ रहे हो तो इनका ड्यूटी भी यही है कि हमसे पूछताछ करें, जो भी इनको सस्पेक्ट लग रहा है कि हाँ इनसे पूछताछ करना चाहिए तो ज़रूरी है सर। और हमको सर काफ़ी अच्छा लगा, मैं वहाँ से तिनसुकिया असम से अभी तक यहाँ तक आ गया, वेस्ट बंगाल पुलिस ने हमें रुकाया था, देन हमें बोला कि अच्छे काम कर रहे हो चलो अच्छे से जाना, कुछ दिक्कत हो तो रास्ते में कॉल करना हमें। जरूरी है, जन सुविधा के लिए जरूरी है जी, श्री राम मंदिर के लिए फेमस है ये जी, आप भी जाइए यहाँ स्टे करिए घूमिए और अच्छा लगेगा जी। थैंक यू सर, आपसे मिल के हमें काफ़ी अच्छा लगा, और ऐसे ही सर काम करते रहिए अच्छे काम। तो अभी अपन उधर जाएंगे, गुरुद्वारा जाना है हमें। देन भाई आज हमारा आधा घंटा ना वेस्ट हो गया बिकॉज ऑफ पुलिस चेकिंग का वजह से, उनको लग रहा था कि इतने दूर आ गए हो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट चाहिए। सर आते तो गाइस अभी हम गुरुद्वारा में आ चुके थे, कौन सा गुरुद्वारा है भाई? गुरुद्वारा नजरबाग अयोध्या जी, तुलसी नगर। तुलसी नगर, तो अभी हम यहाँ पे आए थे, देन हमारे साथ कवल सर जी मिले, इन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, कहाँ से आए हो, किस तरह से आ रहे हो और क्या मोटिव लेके आए हो? बस आप एक बहुत अच्छा मोटिव लेके चल रहे हैं, इसलिए मैंने आपका सपोर्ट किया और आपको अपने चैनल में जो वो आपकी न्यूज़ लगाई और लगाने की कोशिश करूँगा, और मेरी तरफ से मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ देख के अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको जो है वो कवर किया और अपने चैनल में आपको जो है प्लेस दूँगा। थैंक यू सर। तो अभी आज देखते हैं यहाँ पर अगर रहने का व्यवस्था हो रहा है तो रहेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे अभी कोई दूसरा उपाय करेंगे। प्रदीप हम लोग यहाँ पर 2 बजे के आसपास पहुँचा था, देन वापस से जाके उधर सो गया, नींद पूरा किया हम लोग, अब फिर वापस से हम लोग निकल चुके हैं और टाइम हो रहा है 7, आगे जाकर शायद हमारे ख्याल से लेफ्ट लेना पड़ेगा। हम आ चुके हैं श्री देवकाली मंदिर, और इधर पूरा अच्छे से धूमधाम से पूरा गाना बजाया जा रहा है, और ये है बाबू बाजार। बाबू बाजार का कुछ इस तरह से हाल है। तो गाइस वहाँ पर आप लोग देख सकते हो राम की पैड़ी लिखा हुआ है, और ये पूरा राम का पैड़ी है। ये है कुछ इधर का व्यू, यहाँ पर कल सुबह हम नहाएंगे। इधर गड्ढा नहीं, पूरा गड्ढा नहीं है, गड्ढा नहीं है। अभी नीचे भी चलेंगे अपन, वहाँ से लेकर देन वहाँ तक 20 वैसा वाला 20 है ना खुट्टा, 20 है ना वो जो आप लोग को दिख रहा है ना उस टाइप का डोलन, उस टाइप का ये 20 है, 1 से लेकर 20, मतलब काफ़ी बड़ा है ये। और वहाँ से पानी छोड़ा जाता है ना, वो जो लाइट बर रहा है ना, वो जो लाइट बर रहा है वहाँ से पानी छोड़ा जाता है, देन यहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। अभी क्या बंद हो गया, क्या लाइट बंद हो रहा है? ये लाइट चली गई है। अच्छा, यहाँ पर कितने बजे सुबह से भीड़ हो जाती है? 5 बजे चालू हो जाती है और 10 बजे रात को बंद होती है। बंद होती है ना, 10-11 बजे रात तक जो है यहाँ पर लोग नहाते हैं। तो अभी हम नीचे जाएंगे। फाइनली गाइस अपन नीचे आ चुके हैं, हम और प्रदीप, और प्रदीप तो यार बड़ा ही खुश नजर आ रहा है आज। भाई खुश होना ही है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं नहाने के लिए, और 5 बजे से शुरू होता है मॉर्निंग का, 10-11 बजे तक यहाँ पर लोग आते हैं, देन अपना टाइम कीमती टाइम जो है यहाँ पर बिताते हैं। और अभी हम भी आ गए यहाँ पर टाइम बिताने के लिए, हम लोग तो सो गए थे, लेकिन क्या मन में क्या ना आया हम दोनों का कि उठ कर देन वापस से निकल गए। और अभी हमको भी पता नहीं, हम भी यहाँ पर नए हैं। यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक, यानी ऐसा वाला जो खंबा है ना वो 20 खंबा है जहाँ तक मुझे पता है, और जितना मुझे पता है वही बता रहा हूँ। और यहाँ पर मछली भी है छोटा छोटा, यहाँ पर इस पानी में मछली भी है। पानी में आना है प्रदीप? अभी नहीं आएगा, सुबह आएगा। नहीं, हम तो जाएगा, कितना ही है? अरे पिछल नहीं है, नहीं है उसने तो बोल रहा हूँ आ जाओ।
तो देखो इसी पानी में कल अपन नहाएंगे सुबह सुबह। प्रदीप भाई ये तो डर रहा था कि नहीं जाएगा उधर। प्रदीप ठंडा है भाई, पानी ठंडा है ना। हाँ। पानी वहां से चलते रहता है और इस पानी में ना मछली भी है। ये है हमारा शैडो मछली। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट है उसी की वजह से इतना उजाला आ रहा है। पानी ठंडा है। अरे अरे कैमरा है भाई, कैमरा बचा के। प्रदीप तो एक ही बार में पूरा जोश में आ गया भाई, मजा आ रहा है। गाइस इस साइड का व्यू यही है, बाकी इधर आप लोगों को जितना बिल्डिंग दिख रहा है ना ये सारा मंदिर है, किसी का घर है। इधर एक गाना बज रहा था श्री राम जानकी, बड़ा ही मजा लग रहा था, डीजे में बजा के जा रहा था। हाय हाय मजा आ गया यार। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही गर्मी में हम लोग साइकिल चलाए हैं और बहुत ही कम आज का जैसा साइकिल चलाया ही नहीं। हाँ। आज हम लोग सो भी गया था, मतलब ऐसा सोया था ना, मतलब रास्ता में मतलब रास्ते के बीच में मतलब साइड में सो गया था हम लोग, ऐसा गंदा हाल था। हाँ। बहुत गंदा हाल था। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं प्रदीप? हाँ भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ खास वीडियो लेकर, और कल सुबह हम लोग जाएंगे वहाँ पे, यहाँ पर आएंगे हम लोग सुबह 5:30 बजे। हाँ, यहाँ पे आएंगे नहाएंगे, इसके बाद राम मंदिर जाएंगे हम लोग जी। हाँ। और सुना है कि राम मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग अपने आंखों से देखेंगे, देन आधा बात हम बताएंगे एंड आधा बात हमारे दादा बताएंगे। हाँ भाई, है कि नहीं? हाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।